तो गाइस अभी जस्ट आए हैं शॉप पे और देखते हैं कांटा वाटा निकालते हैं। ये वंशी है, ये दिख रहा है 250 ग्राम से लेके दो किलो तक। तो आज अगर धागा मजबूत देना होगा गाइस, 10 किलो का मछली पकड़ने वाले हैं और देखते हैं कि हम लोग से वाकई पकड़ाता है कि बस इसी तरह। ये 250 ग्राम से 2 किलो तक पकड़ सकते हैं। ये मिट्टी में दिखेगा नहीं तालाब में। अच्छा, ये थोड़ा दिखता है। अच्छा, ये दिखेगा, वही बात। पुई, इसको बोलते हैं पुई। अच्छा, इसको कहते हैं पुई। तो मैंने ये लिया है, एक ये लिया है और एक काटा व्हाइट का, एक काटा ब्लैक का। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है भैया? जीत कुमार। जीत कुमार, आज भैया को शौक हो गया मछली पकड़ने का, इसलिए मैं भी दे दिया हूँ धागा सुई। इसके बाद काटा सुई और इसका हो गया रंगा। क्या लगता है हम लोग पकड़ पाएंगे? एकदम लगता है। देख के कि लग रहा कि पकड़ लीजिएगा। तो भैया के दुकान में आइए और ये सब आपको मिल सकता है। भैया का A to Z ये सारा चीज देख लीजिए। फिशिंग का सारा आइटम मिलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग फिशिंग करने वाले हैं और गाइस अभी आए हुए हैं सेक्टर 9 के डैम और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे मछली पकड़ा जाता है। बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, तो उनसे जाकर के मिलते हैं और हम लोग भी कुछ सामान लाए हैं, वो सामान का यूज करेंगे और देखते हैं हम लोग मछली पकड़ पाते हैं या नहीं। यहाँ पे देख ले, काफी भाई साहब है जो की मछली पकड़ रहे हैं। देख ले, ये है और हमारे साथी सब आए हुए हैं जुगाड़ लगाने के लिए और देखते हैं कितना पकड़ पाते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग चलते हैं गुफा पे गाइस, एनाकोंडा भी मिल सकते हैं। अबे यहाँ खाना लेके आए लोग दोपहर के लिए है? खाना नहीं है। अरे गाइस, क्या तो गड़बड़ हो गई, हमको लगा दोपहर तक रुकेगा, खाना होना तो कुछ मांग लेते। देख रहे हैं अभी भाई लोग पकड़ रहे। कब से पकड़ रहे हैं भैया? तो गाइस, एक बहुत हेवी जानकारी मिला कि छोटा मछली जो पकड़ाता है उसमें तुरंत उठाया जाता है और बड़ा जो मछली होता है उसमें 1-2 घंटे लगते हैं। तो ये हमारा बंसी है, इस पे जुगाड़ लगा रहे हैं। एक ही 5 किलो लेके घर जाएंगे। दूर दूर दूर, ठीक है। कैसे आएगा? व्हाइट वाला पे ध्यान रखना, नीचे जाएगा टांग लेना, टांग चला। व्हाइट वाला पे ध्यान देना खाली, बस मतलब देख सकता हूँ। देखो क्लियर कर दिया, खा गया खा गया। दूर बे दूर, यहाँ पानी नहीं है, तुम घुसेगा। तो गाइस अभी हम लोग 5 को पकड़े, 4 को हम पकड़े, 1 को आज हम पकड़ा। तो 4 को मछली है ये। अच्छा, सॉरी, 3 को हम पकड़े, 1 को आज हम पकड़ा। देख रहे गाइस, एक नया प्रजाति के लोग मछली पकड़े हैं और भयंकर और देख रहे हैं खतरनाक मछली है गाइस। आपको दिखाते हैं, तो दिखा रहे हैं, ये ऐसा अपना रंग ढाल लेता है जहाँ पे देखिए इस मट्टी का कलर में ये अपना रंग को ढाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि वो अपना हर एक जगह अपना रंग बदल देता है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे। रुक जाइए, इसका फेस दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं कितना छटपट आ रहा है गाइस, और इसका मुँह दिखाते कितना बड़ा है, ट्रांसपेरेंट मुँह है। देख रहे, पूरा एकदम मुँह निकाल रही, देख रहे, गजब है भाई। ओ भाई, ओ भाई, किस प्रजाति का मछली है गाइस? अगर आपको पता है इस प्रजाति का मछली, आपको नॉलेज है इस मछली के बारे में, तो आप कमेंट कर। देख रहे हैं, ये है बहुत सारा मछली है यहाँ पे, अभी भी पकड़ाया हुआ है, बट और पकड़ना चाहते हैं और एक बड़ा मछली पकड़ना चाहते हैं। ये रहा फिकाया और इसका जो ये है, अब अंदर जाएगा वो, देखिए ए धीरे 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 ये खड़ा हो जाएगा और जैसे अंदर जाएगा समझ लीजिए मछली फंसा। देखिए गाइस, ये लड़का पकड़ लिया, देख रहे, ये पकड़ लिया एक फाइनली। एक लड़का का कारनामा बता रहे हैं, ये मछली वहां से लाता अच्छा खासा, वहां रखने की बजाय गिरा देते यहाँ पे, तो अंदर चला गया है मछली। हेलो, तेरी मम्मी बुला रही है, बाहर निकल। तो गाइस, उसका मम्मी का वास्ता दिए फिर भी वो बाहर नहीं निकल रही है, शायद इसी के अंदर चला गया है और इसके अंदर कुछ भी निकल सकता है गाइस। तो अभी इसको फिलहाल छोड़ते हैं। तो एक और पकड़ाया, देखिए जी, फाइनली इसको अंदर डालते हैं। इधर ला हमारे, वही का डर था जो आपको बता रहे थे, मगर बेचारा पकड़ लिया फाइनली। आप तुम देखिए छटपट आएगा, देख रहे कितने सारे हम लोग पकड़ लिए गाइस, फाइनली इतने सारे मछली हम लोग पकड़ लिया गाइस, और काफी मछली पकड़ ली है गाइस। और अब चलते हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बिगड़ रहा है मौसम, हो सके बारिश हो सकती है इससे पहले कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। देख रहे काफी अच्छा मौसम है और
इस मौसम में थोड़ा डर भी लगता है, इसलिए कि यहाँ बारिश हो रही है और छुपने का कोई जगह नहीं है, इस वजह से हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। तो गाइस अब निकलते हैं सीधा घर, और बहुत टाइम हो गया और ये मछली मैंने इतना सारा पकड़ लिया, देख लीजिए आप इतने सारे मैंने मछली पकड़ लिए हैं गाइस। अब जा करके इसको ठिकाना लगाना है, ठिकाना सिंस का मतलब है कि इसको पका के खाना है, और देखते हैं कैसा इसको पकाया जाता है। हम तो सोच रहे हैं कि यहीं पे पका ले, बट बारिश जो होने वाली है ऐसा फील हो रहा है कि बारिश होगी, इसके वजह से रुकेंगे नहीं। अब इसको लेते हैं और चलते हैं कोई अच्छे जगह पे, और हो सके आपको दिखाते हैं इसे पका के, या तो फिर उसको घर में सीधा पकाएंगे। तो गाइस आज का यही मजा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस देख रहे हैं बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, इसके कारण पता नहीं पार हो पाएंगे कि नहीं, पूरा पुल ही डूब गया है यार। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पुल डूबा हुआ है, और पार कैसे होना है, इतना सफर लंबा सफर तय करके आए और यहाँ पे डूब चुका है, क्या ही बताएं। फिलहाल तो चलते हैं, एक नेक्स्ट पुल है वहाँ पे चलते हैं और वहीं से क्रॉस करते हैं रास्ता।